सुप्रीम कोर्ट अगुणे जज शौकत अजीज सिद्दीकी जी बरतरफी वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो फैसलो कलदम करार दई छो। चीफ जस्टिस केस जो 22 सफन से बधल तफसीली फैसलो जारी कर। फैसले में चयो है तो शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी बाबत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले के गैर कानूनी करार दिनों वे तो शौकत अजीज सिद्दीकी के बहाल नो कर खेस रिटायर्ड जज तस्वुर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज तौर हु रिटायरमेंट आई समूरी उमरातू तोड़े पेंशन जो हकदार हों। शौकत अजीज सिद्दीकी के 11 अक्टूबर 2018 से हसास इदारन खिलाफ तकरीर करते अहदे त हटाए वो हो। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से आपघाती हमले में पाक फौज जब जवान शहीद थे। आपघाती बमबार पंजी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकराई जैसे नतीजे में बहलकार शहीद थे। शहीदन में नायब सूबेदार यासिर शकील ए सिपाही ताहिर नवीद शामिल। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खत्म करने ला पुराजम है। असां जे बहादुर सिपाहियों जो अड़ियं कुर्बानियों असां जे अज़्म के वधिक मजबूत कन थियूं। मुज़दलाने हमले जे जिम्मेवारन के केफरे किरदार ताईं पहुंचाए वेंदो। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमण घरू वजीर ज़ियाउसुल अंजार पारा डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से आपघाती हमले की मुजम्मत शहीद अहलकार नायब सूबेदार यासिर शकील ए सिपाही ताहिर नवीद की कुर्बानी के खिराज अकीदत पेश। शर्जिल इनाम मेमण जो चवण है तो शहीदन की बहादुरी फर्ज शनासी के हमेशा याद रखो वो वतन की हिफाजत लाए उन्होंने कुर्बानी के कदें न विसार वो। लाहौर हाईकोर्ट पार्लियामेंट में ताहियात नाहली जो मुद्दो 5 साल करने खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर छी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन दरख्वास्त से महफूज कल फैसलो बुधायो। वफाकी हुकूमत के वकील दरख्वास्तों की मुखालफत कई वही। दरख्वास्त में इस्तदा कई वही हुई त अदालत 5 साल नाहली जो मुद्दो मुकर्रर करने वाले कानून के कलदम करार दी। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह से अमरीका के काउंसिल जनरल मिस्टर कॉनराड ट्रेबल की मुलाकात। मुलाकात में यूएस एड मिशन डायरेक्टर भी शरीक। वे वजीर पारा यूएस एड का सिंध अंदर तालीम के शोबे में कुछ नवा मनसूबा आने का मुतालबो। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण है तो बोर्ड सबब वही तादाद में स्कूली इमारतों मुतासर थी। चाहूँ था यूएस एड स्कूलों की इमारत की अदावत में सहकार करे। यूएस एड पारा स्कूलों की इमारत की अदावत में भरपूर सहकार की खातरी। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ वफाकी हुकूमत से मनसूबन की पुजाणी सहकार के हवाले से अहम इजलास। ज़रात की तरक्की ला खास कदम खण जो फैसलो। वे वजीर ज़रात खाते का कारपोरेट फार्मिंग मुतारिफ कराने ला तजवीजू तलब कर वरतियों। मार्केट में सर्टिफाइड बीज की दस्तियाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत। वे वजीर जो चवण है तो चाहें तो ज़रई शोबे में दोस्त मुल्क के टेक्नोलॉजी में फायदो वी तरक्की दियारी वे जैसी तीन फसलों की पैदावार न वधंदी तेसी तीन नहारी मजबूत थी न मईशत मुस्तकम थी। इजलास में सिंध रेवेन्यू बोर्ड ए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच में डेटा शेयरिंग के बेहतर करण जो फैसलो। सिंध हाईकोर्ट में रमजान मुबारक में आम बाफे जो शयूं अघन से विक्रो करने खिलाफ दरख्वास्त बुधनी। अदालत कमिश्नर कराची के अग वठंदड़ दुकानदार खिलाफ कार्रवाई जो हुक्म दई छो। महंगे अगते शयूं विक्रो करण खिलाफ कार्रवाई बाबत रिपोर्ट तलब। अदालत सिंध हुकूमत ब्यूरो ऑफ सप्लाई एम्बियन का 3 अप्रैल तीन जवाब तलब कर वरतो। सेनेट चूंडन खपोई हुकूमत साजी जो अमल मुकम्मल थी वेंदो। मखसूस सीटों ते हलफ बर्दारी लाए केपी असेंबली जो इजलास न पयो घुराए वने। केपी असेंबली जो इजलास घुराण लाए इलेक्शन कमीशन से राबतो कयूं पिया। केपी हुकूमत वायड़ाइप जो शिकार है। केपी असेंबली जो स्पीकर टाइगर फोर्स नुमाइंदो बणजन की कोशिश पो करे। अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग हणंदो है अंदर वनी मिंथू कंदो है। पीपी अगवान फैसल करीम कुंडी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आलमी मालियाती फंड पारा पेट्रोल से लेवी 60 रुपया 18 सैकड़ो जीएसटी बहाल करण की तजवीज। पेट्रोल से मार्च 2022 में खत्म कल 18 सैकड़ो जीएसटी बहाल कई वे। मकामी तौर पर तैयार कल सिगरेट से वफाकी एक्साइज ड्यूटी 1.5 लागू कई वे। IMF के माहौल के गदलो कदड़ मशीनरी से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगान की भी तजवीज। बिजली वापे दर से 967 अरब रुपये जो बार विझण की तैयारी। बिजली विरहाइंदड़ कंपनियों जो ईंदड़ माली साल लाए दरख्वास्तू नेपरा के मिली वयू। गेपको पारा 376 अरब, बेपको पारा 160 अरब, केस्को पारा 236 अरब, टेस्को पारा 92 अरब, पेस्को पारा 67 अरब, सेपको पारा 35 अरब 70 करोड़ रुपया ओगाड़ी की दरख्वास्त। नेपरा में बिजली विरहाइंदड़ कंपनियों की दरख्वास्तुन से बुधनी 2 अप्रैल से थन्दी।